नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू के नाम से फोटो का इस्तेमाल कर फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने का किया गया प्रयास, और अमित साहू के द्वारा पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपकर यह अवगत करवाया गया है कि अमित साहू की फोटो लगाकर इस्तेमाल कर फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से मेरे नाम पर पैसे मांगने की कार्रवाई करने का मुझे पता चला है। मैसेज मेरे जानकारों ने जब भेजा है तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से कोई ठगी करने की फिराक में है। उन्होंने एसपी हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपकर हनुमानगढ़ ज़िले में रोजाना इस तरीके के फेसबुक का इस्तेमाल करके अनेकों लोगों को जो ठगा जा रहा है, जा गया है, और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए उन्होंने मांग की है। एक प्रतिनिधिमंडल भी एसपी हनुमानगढ़ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है और कानूनी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। और इस प्रकार जो लंबे समय से ठगी कर रहे हैं उन पर जल्द कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में पवन श्रीवास्तव का क्या कहना है। हमारे भाजपा के नेता हैं भाई अमित साहू, उसके उनके नाम की और उनकी फ़ोटो लगाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आईडी बनाई है फेसबुक पर, और वो आईडी बनाकर उनके नाम की और उनके नाम के मैसेज भेजकर और पैसे की लगातार मांग की जा रही है। जैसे सुबह हमें पता लगा, भाई सबको पता लगा, तो उन्होंने तुरंत क्या है कि भाई ये भेजा लोगों को कि भाई इस प्रकार से मेरे नाम से कोई फर्जी आईडी बनाकर और पैसे मांग रहा है। और लोगों को मैसेज जाने के कारण क्या है कि बहुत बड़ा जो ठगी होने से बचाव हो गया। लेकिन आज हम लोग एसपी साहब के पास ये निवेदन करने आए थे कि भाई ये इस प्रकार के फर्जी मैसेज बना के लाखों लोगों से ठगी की जा रही है और बदनाम किया जा रहा है लोगों को, तो इसके खिलाफ़ क्या है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। और लोगों से भी ये निवेदन है कि ये जो फर्जी मैसेज आते हैं, कम से कम किसी को पैसे देने से पहले ये कन्फर्म कर, फ़ोन करके उनसे कन्फर्म करके पूछताछ जरूर करें। आप एडवोकेट हैं, कौन सी धाराओं के तहत ये कार्रवाई हो सकती है इसमें? इसके अंदर जी 420 है धोखाधड़ी का जो मामला है, और इसके अलावा जो आईटी एक्ट के मामले हैं जिसके तहत क्या है कि जो दूर संचार के माध्यम से जो ठगी का प्रयास किया जा रहा है, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी पार्टी के द्वारा जो ज्ञापन एसपी हनुमानगढ़ को दिया गया है उस पर कितनी जल्दी जांच करते हुए जो ठगी करने का प्रयास कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाती है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।